गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डेफिनेशन को देख लेते हैं। व्हाट आर लाइंस? दीज आर द स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर दैट हैज नो थिकनेस एंड एक्सटेंड्स इन बोथ डायरेक्शंस। नो थिकनेस दैट मीन्स इसका कोई मोटाई या चौड़ाई नहीं होता, एंड इट एक्सटेंड्स इन बोथ डायरेक्शंस, ये बोथ डायरेक्शंस को एक्सटेंड करते हैं। इट हैज नो स्टार्टिंग पॉइंट एंड नो एंडिंग पॉइंट, इट एक्सटेंड्स इन बोथ डायरेक्शंस को ये एक्सटेंड करता है, बढ़ता है, एंड इट इज ए वन डायमेंशनल फिगर, इट इज नो थिकनेस। डेफिनेशन ऑफ लाइंस, देन हम देखेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल। एन एंगल इट कैन बी डिफाइंड एज द स्पेस बिटवीन टू लाइन सेगमेंट्स व्हेन दे मीट एट ए कॉमन पॉइंट। जब दो लाइन सेगमेंट एक कॉमन पॉइंट में, फॉर एग्जाम्पल दीज आर टू लाइन सेगमेंट्स, when they meet at a common point, this is the common point O, जब एंगल फॉर्मेशन होता है हम इसको बोलते हैं दिस इज वॉर्टेक्स एंड दिज आर टू आर्म्स, ओ ए एंड ओ बी आर टू आर्म्स, हैंस नाउ दिस इज द एंगल, ए ओ बी इज द एंगल। डेफिनेशन वाइज एन एंगल कैन बी डिफाइंड एज द स्पेस बिटवीन टू लाइन सेगमेंट्स, स्पेस बिटवीन टू लाइन सेगमेंट, दो लाइन सेगमेंट के बीच में जो स्पेस होता है दिस इज द एंगल, एंड इट फॉर्म्स व्हेन दे मीट एट अ कॉमन पॉइंट, जब वो दोनों एक कॉमन पॉइंट दैट इज ओ पे मीट या दोनों जॉइंट होते हैं देन वहाँ पे हमारी एंगल फॉर्मेशन होता है। और वी कैन से दैट एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू लाइन्स और लाइन सेगमेंट्स मीट। तो हम एंगल का डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, एक एंगल तभी फॉर्मेशन होता है जब दो लाइन या दो लाइन सेगमेंट एक कॉमन पॉइंट में मीट होते हैं या दो कॉमन पॉइंट में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं या जॉइंट होता है, जो भी ज्योमेट्रिकल शेप बनता है दैट इज द एंगल। देन हम पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पेयर ऑफ एंगल्स या क्लासिफिकेशन ऑफ पेयर ऑफ एंगल दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? ए पेयर ऑफ एंगल्स हुज एडिशन या हुज सम इज 90 डिग्री। ऐसा दो एंगल्स जिनकी एड 90 डिग्री होगा देन दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फॉर एग्जाम्पल हियर इज एंगल, ए ओ बी इट इज एंगल, देयर इज एन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंड स्ट्रेट लाइन फॉर्मेशन हुआ था दैट इज 90 डिग्री। 90 डिग्री सपोज हमारे यहाँ पे ए ओ बी हमने 90 डिग्री ड्रॉ किया है, हमने यहाँ पे और एक दोनों की कॉमन आर्म ड्रॉ करेंगे दैट इज ओ सी। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ओ सी 60 डिग्री एंड सी ओ बी इसको 30 डिग्री के ड्रॉ करेंगे, 60 एंड 30। इस कंडीशन में 60 प्लस 30 दोनों एंगल को जब हम प्लस करेंगे एडिशन करेंगे 90 डिग्री हुआ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। तो 30 इज कॉम्प्लीमेंट्री टू 60, 60 इज कॉम्प्लीमेंट्री टू 30। 20 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 70 डिग्री है, 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 20 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डेफिनेशन होगा व्हेन द सम ऑफ एंगल इज 90 डिग्री देन इट इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, ए पेयर ऑफ एंगल हुज सम इज 180 डिग्री। ऐसा दो एंगल जिनको एडिशन करेंगे 180 डिग्री होगा दीज आर दी सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, 180 डिग्री कैसे ड्रॉ होता है? दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, बिकॉज मैंने पहले बताया 90 डिग्री को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं 90 प्लस 90 180, हैंस 180 डिग्री इज ए स्ट्रेट लाइन। 180 डिग्री मीन्स इट इज ए सेमी सर्कल। अगर ये 360 डिग्री हुआ देन हम प्रोट्रैक्टर में जब मेजर करते हैं तो प्रोट्रैक्टर में हमारी 0 से लेकर 180 तक होता है, नेक्स्ट हम फिर इस साइड में 0 से लेकर 180, हैंस पूरा कंप्लीट हमारे 360 होगा। तो 360 जब डिग्री हम ड्रॉ करते हैं तो 360 डिग्री एक सर्कुलर फिगर को रिप्रेजेंट करते हैं, 360 इज ए सर्कल, हैंस वी कैन कॉल 360 डिग्री इज ए होल एंगल और कंप्लीट एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल को हमने बताया है पेयर ऑफ एंगल हुज सम इज 180 डिग्री, ऐसा एंगल ऐसा दो एंगल जिनका एडिशन 180 डिग्री होगा
These are called the supplementary angle. For example, 150 degree plus 30 degree. Suppose I मैंने 180 degree draw किया है. A, B, O and C. This is 150 and that is 30. इस condition में 150 plus 30 that is 180 degree supplementary angle. Sum of angle is 180 degree. Hence 150 is supplementary to 30 and 30 degree is supplementary to 150 degree because their addition is 180 degree. तो हमने यहाँ पे देखा supplementary 150 plus 30 180, 140 plus 40 180. इसमें देखिए एक आपका obtuse angle है and एक आपका acute angle है. Obtuse angle, what is obtuse angle? Greater than 90 degree. एक्यूट एंगल क्या है? स्मॉलर देन 90 डिग्री. तो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल की कंडीशन में पेयर ऑफ एंगल्स में सप्लीमेंट्री एंगल में वन इज ऑब्ट्यूस एंड अनदर इज एक्यूट. सप्लीमेंट्री एंगल में वन ऑब्ट्यूस एंड अनदर एक्यूट. इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स 60, 30, 90, 50, 40, 90 इन बोथ the angles are acute angles, that means these are less than 90 degree. Hence in complementary angles, pair of angles mein both the angles are acute angles. In supplementary angle, one is obtuse angle and another is acute angle. For example, 160 plus 20 it is 180 obtuse angle and it is acute angle. Next, हमने पेयर ऑफ एंगल्स में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में डिस्कस किया. सम ऑफ एंगल्स को लेकर डिटरमिन किया गया वन सम ऑफ एंगल इज 90 डिग्री इट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, बट व्हाट इज व्हेन द सम ऑफ एंगल इज 180 डिग्री इट इज सप्लीमेंट्री एंगल. देन हम उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे. एग्जाम्पल दे रखा है, आर द फॉलोइंग एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. हमें प्रूफ करना है ये दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है क्या. सोल्यूशन देखते हैं. दोनों एंगल्स को ऐड किया जाता है. फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल 35 डिग्री प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री. हैंस दिज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं सम इज 90 डिग्री बिकॉज हमने ये कहा है सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 डिग्री. हैंस दिज आर द दिज आर द कॉम्प्लीमेंट टू इच अदर. 35 प्लस 55 इज इक्वल टू 90 डिग्री. सेम वे में 60 प्लस 30 एंगल 1 प्लस एंगल 2 60 प्लस 30 दैट इज 90 डिग्री. हैंस दिज आर ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री टू इच अदर. हम इसको ऐसे प्रूव करेंगे एडिशन करके अगर 90 डिग्री हो जा रहा है देन दिज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू इच अदर. नेक्स्ट एग्जाम्पल, आर द फॉलोइंग एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. हमें प्रूव करना है ये जो एंगल्स है आर द सप्लीमेंट्री टू इच अदर और नॉट. हैंस एंगल 1 प्लस एंगल 2 125 प्लस 45 दैट इज 0 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 170 डिग्री. नो दे आर नॉट सप्लीमेंट्री टू ईच अदर. सप्लीमेंट्री नहीं है बिकॉज सम इज नॉट इक्वल टू 180. इनका एडिशन 180 डिग्री नहीं हो रहा है. हैंस दिज आर नॉट सप्लीमेंट्री. फिर इसको हम इसी वे में ऐड करके प्रूव कर सकते हैं 95 प्लस 85 180 हो गया. 5 प्लस 5 10 0 कैरी 1 9 प्लस 8 17 प्लस 118 दिज आर सप्लीमेंट्री टू इच अदर. तो हैंस बोथ कंडीशन में यहाँ पे देखिए बोथ भी कंडीशन में हमने यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल देखा एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखा. दोनों ही कंडीशन में सप्लीमेंट्री में देखिए इस कंडीशन में वन ऑब्ट्यूज वन एक्यूट. इसमें हमने यहाँ पे भी देखा दोनों ऑब्ट्यूज भी हो सकते हैं इनके सब सप्लीमेंट्री एंगल्स, बट इनके सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इट इज ऑलवेज सेम बोथ आर एक्यूट एंगल सम आइदर 85 डिग्री 85 प्लस 5 90 एक्यूट एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री देखिए 85 प्लस 95 180 डिग्री
वन ऑब्ट्यूस वन एक्यूट। तो हमें ये हमें प्रूफ हुआ इसमें जो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है बोथ आर एक्यूट एंगल्स, इनके सब सप्लीमेंट्री एंगल वन इज ऑब्ट्यूस वन इज एक्यूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। देन अनदर टाइप ऑफ एंगल्स हम देखेंगे, दिस आर एडजेसेंट एंगल। व्हाट आर एडजेसेंट एंगल, डेफिनेशन देख लेते हैं। टू एंगल्स दोज हैव ए कॉमन वर्टेक्स, ए कॉमन आर्म एंड दो नो कॉमन आर्म्स ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। तो ये हमारी फीचर्स है, दिज आर द फीचर्स ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या क्या फीचर्स है, दोज हैव ए कॉमन वर्टेक्स। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ किया है ए बी सी, हैव ए कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स कौन सा है, बी, विच इज ए कॉमन वर्टेक्स। ए कॉमन आर्म बी डी, कॉमन वर्टेक्स हम बी लिख लेते हैं, कॉमन आर्म दैट इज बी डी। द नॉन कॉमन आर्म्स ऑन आइदर साइड, दोनों साइड में दो नॉन कॉमन आर्म्स, दोनों नॉन कॉमन है, दैट मीन्स बी सी एंड ए बी, दिज आर नॉन कॉमन आर्म्स। कॉमन नहीं है, कॉमन तो सिर्फ बी डी आर्म्स है। ऑन द आइदर साइड, दोनों ही साइड ऑफ द कॉमन आर्म्स, कॉमन आर्म्स की अपोजिट दोनों ही साइड में दो नॉन कॉमन आर्म्स होना चाहिए। तो दिज आर द कंडीशंस ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स। एग्जाम्पल्स हमारी डेली लाइफ में हम घड़ी को देखते हैं, सपोज दिस आर दिस इज ए क्लॉक 12 6 3 9 1 2 5 7 8 10 11 hour and minute and second. इसमें देखिए दिस आर द एडजेसेंट एंगल्स, मैंने कहा था जिसका एक कॉमन वर्टेक्स होगा, दिस इज द कॉमन वर्टेक्स एंड दिस इज द कॉमन आर्म सी डी एंड द नॉन कॉमन आर्म्स इन द आइदर साइड। कॉमन आर्म के दोनों साइड में दो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, सी पी सी क्यू, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एडजेसेंट एंगल। इसी वे में हम अगर हम इसको कॉमन आर्म लेके चलते हैं तो दिज आर द टू अदर कॉमन आर्म्स, अगर हम इसको कॉमन आर्म लेके चलते हैं दिज आर द टू एंगल्स। तो ऐसे हिसाब से हम थ्री पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल यहाँ पे बना सकते हैं। तो हमें ऊपर ये नहीं पता चला वाटर एंगल द एडजेसेंट एंगल्स, द एंगल्स हैविंग ए कॉमन वर्टेक्स, ऐसा एंगल जिसका एक कॉमन वर्टेक्स होगा, एक कॉमन आर्म होगा पी क्यू एंड दो नॉन कॉमन आर्म्स होगा, नॉन कॉमन आर्म्स पी के पी एल, दिज आर द टू नॉन कॉमन आर्म्स, नॉन कॉमन आर्म्स होगा इसका, जिसका पोजिशन क्या होगा आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म की दोनों ही साइड में होगा, दोनों की बोथ आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म की इनकी पोजिशन होगा। तो दिस इज द एडजेसेंट एंगल, वन कॉमन वर्टेक्स कॉमन आर्म एंड दो नॉन कॉमन आर्म्स ऑन द आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, दिस इज द एडजेसेंट एंगल्स। देन हमने यहाँ पे देखा इनका एडिशन हम कुछ बता नहीं सकते, दिस हम यहाँ पे दो एंगल फॉर्मेशन हुआ है ना, दिस इज एंगल वन एंड दिस इज एंगल टू, एंगल वन इज एडजेसेंट टू एंगल टू। सम ऑफ द एंगल्स हमें पता नहीं एक्चुअली कितना है, वो हमें आगे डिस्कस करना है। देन हम नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल्स डिस्कस करेंगे, दिट इज द लीनियर पेयर। व्हाट इज लीनियर पेयर, द एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन साइड्स फॉर्म अपोजिट रे, ऐसा कह रहे ये भी एडजेसेंट एंगल्स है, दिस आर ऑल्सो एडजेसेंट एंगल्स बिकॉज दिस इज ए कॉमन पॉइंट कॉमन वर्टेक्स, इट इज ए कॉमन आर्म एंड दिस आर टू नॉन कॉमन आर्म्स सी क्यू एंड सी पी, बट दिस आर अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट सी पी सी क्यू, अपोजिट मीन्स ऐसे देखिए ना बिल्कुल स्ट्रेट लाइन अपोजिट टू इच अदर, ये इसका अपोजिट है। एंड देयर एडिशन इज फॉर्म अप टू 180 degree, देयर एडिशन उनका एडिशन हमेशा 180 degree होगा। हियर वन एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू 180 degree, इन दिस कंडीशन एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू 180 degree बिकॉज 180 degree इज ए स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया, हेंस द सम ऑफ एंगल इज 180 degree। अपोजिट रे इसके ऊपर कनेक्ट अपोजिट रे मीन्स स्ट्रेट एंगल होगा। तो हमें लीनियर पेयर में ये पता चला दिस इज अ कॉमन वर्टेक्स कॉमन आर्म एंड दोनों ही नॉन कॉमन आर्म्स उसके आइदर साइड में रहता है, बट लीनियर पेयर में वही डेफिनेशन है, बट जो दो नॉन कॉमन आर्म्स है दिस आर अपोजिट है स्ट्रेट लाइन है, हेंस द सम ऑफ द लीनियर पेयर इज 180 degree, ये
difference between the linear pair and the adjacent angles. Angle 1 plus angle 2 is equal to 180 degree. Then another type of angles, that is the vertical opposite angles. Vertically opposite, opposite means बिल्कुल उसका opposite direction में. When two straight lines intersect with each other, जब दो straight line ये AB and CD are दो straight lines, जब ये दोनों intersect किए हैं तो यहाँ पे कुछ angle formation हुआ है. The angles which are opposite to each other, जब दो lines एक दूसरे को intersect करते हैं, जो भी lines formation, जो भी angles formation होता है, the ऑपोजिट एंगल्स जो ये इन दिस कंडीशन एंगल वन का ऑपोजिट एंगल टू है एंड एंगल थ्री का ऑपोजिट एंगल फोर है. दीज आर कॉल्ड द वर्टिकली